ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्थिति रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां मंत्री विश्वास सारंग की सुरजेवाला को चेतावनी, मध्य प्रदेश में आकर गंदगी ना फैलाएं। वो यहां जैसी शब्दावली प्रयोग कर रहे हैं, वो ये भूल गए हैं कि प्रदेश शांति का टापू है। कौन करेगा बदतमीजी, किसकी हिम्मत है? तो देखिए, मंत्री विश्वास सारंग ने जो है अपने बयान में ये चेतावनी दी है सीधे तौर पर सुरजेवाला को, और उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार की बातें जो है मध्य प्रदेश में, गलत बातें सहन नहीं की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। भूल रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश है, शांति का टापू है। कौन करेगा बदतमीजी, किसकी हिम्मत है इस तरह की बातें, अनर्गल बातें करना? ये कांग्रेस की पद्धति रही है। मध्य प्रदेश में इस तरह की राजनीति ना रही है ना रहेगी, और मैं उनको स्पष्ट चेतावनी देना चाहता हूँ, इस तरह की शब्दावली का मध्य प्रदेश में उपयोग ना करें। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था मध्य प्रदेश की जनता राक्षस है, और अब वही मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने पहले कहा था कि राक्षस है जनता, कहा था मैं जनता को श्राप देता हूँ, अब इस तरह की शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं। ये निंदनीय भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। और सुरजेवाला जी ध्यान रखें, इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह की भाषा मध्य प्रदेश में कहीं अनुमति लायक नहीं है। तो आपको बता दें कि ये थे मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग, चिकित्सा शिक्षा मंत्री है, और उन्होंने सुरजेवाला को अपने बयान के जरिए चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की बदतमीजी प्रदेश में सही नहीं जाएगी।